पीपल है वो आज भी झोपड़पट्टी के अंदर निवास कर रहा है, वो आज भी कहीं न कहीं दूसरों की जमीन के अंदर अपना तंबू लगा करके बैठा हुआ है। आप सड़कों के किनारे देख सकते हैं कि जो जैसे आप लोग सिर्फ इतना कहकर छोड़ देते हो कि ये तो जोगी है, ये तो नाथ है, या ये तो वो है, या ये तो घुमंतु है, या ये गाडोलिया लोहार है, या ऐसे तैसे आप कहीं उनको संज्ञा देते हो, लेकिन वे आपके देश के मूल मालिक हैं, वो भी आपकी तरह इस देश के इंडिजिनियस पीपल हैं, और आज तक उनके पास ना तो खड़ने को खेत है और ना रहने को प्लॉट है, और हम किसके घर में तिरंगा लहराने जा रहे हैं। हमें सोचना होगा कि हम लोग इस देश के मूल मालिक होते हुए भी इस दशा में क्यों पहुंचे और कैसे पहुंचे। ये बात आपको समझाने के लिए आया हूं, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया शांति बना करके आप धैर्य से सुने। हम लोगों ने अपने बैनर के ऊपर लिखा है आदिवासी। आदिवासी का एक पर्यायवाची शब्द है मूल निवासी। मूल निवासी का एक पर्यायवाची और है मूलवंशी, और मूलवंशी का एक पर्यायवाची और है स्वदेशी। आदिवासी का मतलब प्रारंभ से रहने वाला, प्रारंभ से शुरुआत से रहने वाला, आदि अनादि काल से रहने वाला। अगर आज का दिन आदिवासियों के लिए पूरे यूएनओ ने घोषित किया है तो भारत के लिए भी किया है, और भारत के अंदर भी आज ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो यहां पर अपने आप में एक बात अपने आप क्लियर हो जाती है कि अगर आदिवासी इस देश में है और उन लोगों के लिए ये दिन चुना गया है तो निश्चित रूप से इस देश में कोई बाहर वाला भी है। अगर हम कहते हैं कि हम इस देश के आदिवासी हैं और आज हम आदिवासी दिन मना रहे हैं तो निश्चित है कि यहां कोई विदेशी जरूर है, कोई बाहर से आया हुआ भी जरूर है। हमें उस बाहर से आए हुए व्यक्ति की खोज करनी है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपको आदिवासी की खोज करने की जरूरत नहीं। जो आदिवासी इस देश का 6743 जातियों में विभाजित है, जिसे संवैधानिक पहचान के तहत हमारे पुरखों ने, खास करके बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जी जैसे जो संविधान सभा में थे, उन लोगों ने हमें वर्गों में इकट्ठा किया। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जाति यानी एससी, और अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, और कन्वर्टेड माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक। इसे चार भागों में उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन ये चार भागों में जो एकत्रित समूह के लोग हैं ये वास्तव में 6743 जातियों में बटे हुए। तो ये जो 6743 जातियों के टुकड़े हैं ये भारत के इंडिजीनियस पीपल है, ये भारत के मूल निवासी है, ना कि अकेला भील इस भारत का मूल निवासी है, और ना आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, और ना ही जनजाति यानी 7.5% लोग इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के मूल निवासी 97% है, 97% है, 100 में 97 हम इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन हमें इस मूल निवासी की पहचान को और ज्यादा खराब करने के लिए इसे सिर्फ जनजाति तक सीमित कर दिया कि ये दिवस तो सिर्फ जनजातियों का है और जनजाति के लोग ही इसे मनाएंगे, और जहां भी जनजाति के लोग हैं वो लोग मना रहे हैं। और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो इस देश के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, जिनकी पहचान खत्म कर दी गई है, पहचान खत्म करके किसी को मेघवाल बना दिया, किसी को चमार बना दिया, किसी को ढोली बना दिया, किसी को कड़बी बना दिया, किसी को राजपूत बना दिया, किसी को जाट बना दिया, वे लोग भी मंच पर आकर कहते हैं कि आप आदिवासियों को बधाई हो। तो क्या आप भारत के मूल निवासी नहीं हो? अगर आप आकर के कहते हो कि सिर्फ आप भारत के आदिवासी हो, आपको बधाई, इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ उंगली करके कह रहे हो कि मैं भारत का मूल निवासी नहीं हूं। अब आप कहेंगे कि भारत के मूल निवासियों की इस दशा कैसे हुई, और सिर्फ आज
राजस्थान के अंदर और जालौर बाड़मेर के अंदर सिर्फ भील जाति के लोग ही इस दिवस को क्यों मना रहे हैं, भील जाति के लोग ही इसका आयोजन क्यों कर रहे हैं, भील जाति के लोग ही यहाँ टेंट और चंदा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। जब इस देश के अंदर रहने वाले 6,743 जातियों के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग 97% लोग भारत के मूल निवासी है, तो ये दिन सिर्फ भील क्यों मना रहे हैं? इसकी वजह आपको बताना चाहता हूं। इसकी वजह ये है कि भारत के इतिहास को हमें पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया वो तो ठीक है, भारत के इतिहास को ही दफन कर दिया गया, भारत के इतिहास को दफन किया गया। यहां बात चलती है कभी कभी राणा पूंजा की और महाराणा प्रताप की, तो राणा पूंजा के ऊपर विवाद खड़ा होता है और कहते हैं वो राजपूत थे। अरे तुम राणा पूजा को राजपूत कहो या ना कहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो महाराणा प्रताप को कहता हूं कि वो भील था। और ये दुनिया की किसी भी अदालत में और किसी भी बहस में डिबेट में साबित करके बता सकता हूं कि महाराणा प्रताप भील था। वो राणाओं का मुखिया था इसलिए उसके आगे महाराणा लगा। आपकी पंचायत में 8-10 पंच होते हैं ना, 8-10 पंच होते हैं, 8-10 पंचों के ऊपर कौन होता है? सरपंच होता है। जैसे सरपंच साहब विराजे हुए हमारे बीच में, सरपंच होता है जो मुखिया होता है। जैसे आज राष्ट्रपति है, जो राष्ट्र का मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है, जो सभा का मुखिया होता है वो सभापति होता है, ठीक वैसे ही जो राणाओं का मुखिया था वो महाराणा था। और महाराणा भी इस भारत के संविधान के लागू होने के बाद में उसको महाराणा की पदवी मिली है। उससे पहले भिल्लू राणा, भिल्लू राणा के बाद में उनके बहुत सारे वंशज जिसके अंदर राणा सांगा, महाराणा कुंभा और राणा उदय सिंह तक आते हैं, और उसके बाद में राणा प्रताप आते हैं। ये तो भारत का संविधान लागू होने के बाद में उनको महाराणा कहना शुरू किया। अगर इस बात से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं। इस देश के अंदर जो स्वर्णिम युग कहा जाता था, मौर्य साम्राज्य, जिसके बारे में कभी किसी ने सुना होगा, अगर नहीं किसी ने सुना है तो इतना तो जरूर सुना होगा कि पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहीं इकट्ठा होते थे तो बात करते थे, बात बात जिसको मारवाड़ी में कहते हैं वात मोड़ता, वात मोड़वा रात्रि है ना, कहानी जिसको आज कहते हैं हिंदी में, कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में उल्लेख आता था कि एक राजा था, वो रात को घोड़े पर बैठकर निकलता था और देखता था मेरी प्रजा कहीं दुखी तो नहीं है, मेरी प्रजा कहीं पर कोई परेशान तो नहीं है। वो राजा जिसका जिक्र मौर्य साम्राज्य में आता है, सम्राट अशोक का, जो सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ, पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य भील जाति के थे, भील। और ये भी बता देता हूं उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, मगर वो भील थे। धनानंद नाम का जो, वो भी भील। ये भीलों का इतिहास, ये भील शब्द का इतिहास भिल्लू राणा के वंशज में आते आते महाराणा प्रताप हुए। दो चार सवाल मैं आपके माध्यम से यहां रख देना चाहता हूं ताकि लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं पहला सवाल कि भारत के अंदर तो सैकड़ों राजे महाराजे थे, जो बड़े होते थे उन्हें महाराजा कहते थे और जो छोटा होता था उसको राजा कहते थे। मात्र एक मेवाड़ की धरा क्यों थी जहां पर राजा या महाराजा की उपाधि नहीं थी, सिर्फ राणा की उपाधि थी। पूरे भारत में मात्र एक जगह, एक विरासत जहां पर राणा की उपाधि थी, महाराजा या राजा की उपाधि नहीं थी। जब मेवाड़ के मुखिया को राणा या महाराणा कहा जाता था, तब जयपुर जोधपुर बीकानेर ऐसे ठिकानों को महाराजा कहा जाता था। अगर वो सवर्ण थे मान लीजिए, अगर वो विदेशी थे मान लीजिए, अगर वो कहा जाए तो कि उनकी दृष्टि में जो ब्राह्मणों ने कहा कि क्षत्रिय थे,
तो क्यों नहीं उनको राजा की या महाराजा की उपाधि दी गई, क्यों उन्हें राणा तक सीमित कर दिया गया? इसका मतलब है कि वो राणा थे, आप वो राणा थे, यानी इस देश के इस मेवाड़ के मुखिया थे, और इसी वजह से आज भीलों को माजी राणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माजी राणा कहा जाता है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, गुजरात के अंदर जब पूर्व सरपंच हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ पूर्व सरपंच बैठे हैं, तो गुजरात में पूर्व सरपंच होता है उसको कहते हैं माजी सरपंच, पूर्व विधायक को कहते हैं माजी धारा सभ्य, और एमपी को कहते हैं पूर्व सांसद। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में एमपी को कहते हैं खासदार और आमदार। तो माजी लगता है, माजी का मतलब होता है पूर्व। अगर आपकी कास्ट में लगता है माजी राणा, इसका मतलब है कभी आप इस देश के राणा थे, इस देश के मालिक थे, इस देश के हुक्मरान थे। मैं आपको इस कड़ी को जोड़कर बताना चाहता हूं, जो भी हमारे महाराणा प्रताप को मानने वाले हमारे राजपूत भाई हैं, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि वे सम्राट अशोका के वंशज हैं, वे सम्राट अशोक के वंशज हैं, वे मौर्य साम्राज्य के वंशज हैं। मौर्य साम्राज्य की 56 राजधानियां थी, 56 राजधानियों को एक एक करके खत्म किया गया। आपने देखा होगा और सुना होगा कहीं न कहीं पढ़े लिखे लोगों ने कि परशुराम नाम का एक व्यक्ति हुआ था, और उस परशुराम ने इस पृथ्वी को यानी इस धरती को 21 बार छत्री विहीन किया था, 21 बार छत्री विहीन किया था, ऐसा आपने सुना होगा। जब एक बार पृथ्वी के ऊपर से सारे छत्रियों को खत्म कर दिया, धरती को छत्री विहीन कर दिया, दोबारा मारने के लिए छत्री पैदा कहां से किया? जब एक भी छत्री अगर बच गया होता, एक भी छत्री बच गया होता, तो धरती छत्री विहीन नहीं होती। छत्री विहीन किया इसका मतलब एक भी छत्री को नहीं छोड़ा, तो फिर 21 बार मारने के लिए छत्री कहां से लाए? अरे जाल है, जंजाल है, इसको समझने की कोशिश करो। इस जाल जंजाल को दूर करने के लिए ही हम लोग आए हैं। कार्यक्रम तो आज पूरे राजस्थान के अंदर है, कार्यक्रम तो पूरे भारत में है, मुझे भी बहुत सारी जगह इनविटेशन दिया, मगर मैंने कहा जहां जाऊंगा सिर्फ एक जगह जाऊंगा, जहां जाऊंगा पूरा दिन दूंगा, और पूरा दिन देने के साथ साथ मैं पूरी जानकारी दूंगा। चाहे एक जगह दूं, हाजिरी देना मेरा काम नहीं है। सिर्फ आ गया, हाजिरी दे दिया, साफा पहन लिया, फिर अगले प्रोग्राम में, ये मेरा कार्यक्रम नहीं। मैं आया हूं तो समाज को कुछ लाभ, मेरे आने का लाभ होना चाहिए। 21 बार किसी परशुराम ने छतरी विहीन धरती को नहीं किया, इसका सीधा साधा इतिहास हमने ढूंढ के निकाला कि परशुराम नाम का जो व्यक्ति है वो कोई व्यक्ति नहीं था, परशुराम नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। जो इस देश में पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृद्धत की हत्या की, वही परशुराम है और वही राम है, दोनों वही, एक ही व्यक्ति के तीन नाम है। ओरिजिनल नाम छुपा दिया गया और नकली नाम आपके सामने रख दिया गया। अब उसने क्या किया? 21 बार धरती को छत्रीविहीन नहीं किया, उसने 21 यहां के क्षत्रिय राजाओं को राज से वंचित किया। 21 राजाओं को, जिसमें पहला राजा था साकेत नगरी का राजा हरिश्चंद्र, जिसे आज अयोध्या कहा जाता है। सबसे पहले ब्राह्मण ने छल कपट के साथ, धोखाधड़ी के साथ राजा हरिश्चंद्र का राज छीना। उसके बाद में उज्जैन का राज जो विक्रमादित्य के पास में था, राजा विक्रमादित्य, उससे छीना। उसी तरीके से राजा भर्तरी से राज छीना, उसी तरीके से राजा मोरध्वज से राज छीना। मोरध्वज का मतलब होता है जो अपने ऊपर मयूर ध्वज रखता था, यानी मौर्य साम्राज्य का वंशज था। जो मौर्य साम्राज्य के वंशज थे वही थे। आज आपके सामने कैसेटों में और बड़े बड़े कलाकारों के माध्यम से जो जहर परोसा जा रहा है, ये आपके इतिहास को खत्म करने का किया जा रहा है। आपके जालौर जिले में एक लोयाणागढ़ नाम का एक बहुत बड़ा इतिहास है। लोयाणागढ़ में राजा चंदन हुआ करते थे, राजा चंदन से भी राज छीना गया था। परशुराम अर्थात हकीकत में पुष्यमित्र शुंग ने हमारे 56 राजाओं में से 21 राजाओं को
राज से वंचित किया, उनसे राज छीन लिया, इसलिए उसकी कहावत बनी कि परशुराम ने 21 धरती को यानी 21 साम्राज्य को खत्म करके क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब होता है लोकल, भारत के मूल निवासी, उन्होंने मूल निवासियों के शासन को खत्म किया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं हमारा अस्तित्व बना रहा, और अस्तित्व बना रहा तो उनके वंशज जो गांवों में, जो बड़े या छोटे रियासतों में, वहां पर बच गए, उनको वो खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि सब जगह पहुंचाने के लिए उनके पास में लोग नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हीं लोगों को वहां पर लगाया। गांव में कोई ढंग का आदमी मिला, उसको बोला लगान वसूल करने का काम तुम करोगे, इन लोगों से वसूली तुम करोगे। जो वसूली करने पे काम पे लगाए गए, वे ही आज गांव के ठाकुर बन गए, वे ही गांव के आज मालिक बन गए। यानी उनका लोगों ने मान सम्मान किया और उन्होंने लोगों के साथ में अपना अच्छा व्यवहार किया, इसलिए लोगों ने उनको ठाकुर स्वीकार किया। वे हमारे अपने लोग हैं, उसी वंश के अशोका के लोग हैं, उसी वंश के महाराणा प्रताप के लोग हैं। इस बात को हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा, वरना ये जो हमारे बीच की खाई है, हमारी लड़ाई है, ये खत्म नहीं हो सकती। हम चिल्लाते रहेंगे आज उसने मार दिया, कल उसने मार दिया, और दुश्मन जो है वास्तविक दुश्मन है वो हमें लड़ाना चाहता है, वो लड़ा करके हमें कमजोर करना चाहता है। इसलिए मैं आपको पहला उदाहरण दिया कि महाराणा प्रताप के आगे राणा या महाराणा क्यों लगा, राजा या महाराजा क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो इस धरती के पुत्र थे। दूसरा उदाहरण, जब अकबर ने कहा कि सभी राजा मेरे अधीन में आ जाओ और मैं इस देश का जो है बादशाह बन रहा हूँ, सब लोग आ जाओ, तो सारे लोग चले गए, कोई अपनी बहन बेटी देके गया, कोई कैसे भी गया, कोई नजराने देकर गया, कोई अपनी रियासत की जमीन देकर गया, और जाकर के कहा कि बस हमें तो तख्त और ताज दे दो। उन्होंने तख्त और ताज दे दिया। मेवाड़ की धरती का एक मात्र पुत्र था जिसने कहा कि न तो बिका हूँ और न बिकूंगा, कहीं पर भी मैं अपनी मातृभूमि के साथ समझौता नहीं करूंगा। अगर मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे मान मिलेगा, जैसा अभी आपको कहा गया है, तो मान और सम्मान मिलेगा तो मैं आपके साथ में आऊंगा, बिना मान सम्मान के मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। लेकिन अकबर के मन में ऐसा कोई पाप नहीं था। अकबर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको पूरा मान सम्मान और इज्जत दिया जाएगा, आप हमारे साथ में आ जाओ। लेकिन उस समय जो राजे महाराजे थे, जो भारतीय मूल के नहीं थे, जो विदेशी खून के थे, उन लोगों ने कहा ये महाराणा प्रताप या राणा प्रताप जो है ये सम्राट अशोक का वंशज है, उसकी आखिरी विरासत है, और ये हमारे बराबर नहीं बैठ सकता। आपके दरबार में अगर ये बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। अकबर के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अकबर ने फिर अपने सलाहकारों को, नवरत्नों को बुलाया, और उसमें बहुत सारे ब्राह्मण थे, उन्होंने सलाह दी और कहा कि साहब कोई बात नहीं, ये राजे महाराजे भी खुश हो जाएंगे और अकबर भी आपके अधीन आ जाएगा, क्योंकि अकबर अगर, महाराणा प्रताप अगर आपके अधीन नहीं आएगा तो संपूर्ण भारत के आप बादशाह नहीं माने जाओगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने सलाह दी और कहा कि वो जो राजे महाराजे थे उनको कहा कि महाराणा प्रताप का सिंहासन जो है वो 1.5 इंच यानी 2 अंगुल नीचे रखा जाएगा। अब तो आप राजी हो? जो सिंहासन वहां रखे गए उन सिंहासन में मेवाड़ का सिंहासन 1.5 इंच यानी 2 अंगुल नीचे रखा गया। और फिर उनको ऐलान किया और कहा महाराणा प्रताप को अकबर ने कि आ जाइए, आपको हमारे दरबार में बराबरी की इज्जत है, बराबरी का दर्जा है, आप आ जाइए। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होते हैं और दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद जब वो अखबार के दरबार में प्रवेश करते हैं तो उनकी नजर, जब उनकी नजर घूमती है और मेवाड़ के सिंहासन पर नजर पड़ती है तो फट से वो जान जाते हैं कि मेवाड़ के सिंहासन को 2 इंच नीचे, 2 अंगुल नीचे रखा गया है। वो वहीं से दहाड़ते हुए कहते हैं कि जहां मेरी मेवाड़ धरा का सम्मान नहीं, वहां पर प्रताप एक क्षण रुकने वाला नहीं, और अपने घोड़े पे टांग धरा करके वहां से निकल जाता है। सारी कहानी और सारा खेल यहां से शुरू होता है। ये जो आज अपने आप को कहते हैं कि महाराणा प्रताप हमारा शौर्य था, महाराणा प्रताप हमारा था, कहां मर गए थे उस समय जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खा रहा था?
कहां मर गए थे जहां उसके लिए गाड़ो लिए लोहार और भील लड़ रहे थे। राणा पूंजा उनकी सेना का सेनापति मत बना था। और यही लोग जो राजे महाराजे कहने वाले हैं, वे लोग अकबर की सेना में शामिल होकर के महाराणा प्रताप को हराने के लिए जाते हैं। ये इतिहास अब ज्यादा समय तक छुपा कर नहीं रख सकते आप। ये महाराणा प्रताप का अपमान हुआ क्योंकि महाराणा प्रताप भारत का मूल निवासी था, भारत का भील था। उसके बाद का उदाहरण देता हूं आपको कि अगर महाराणा प्रताप मान लीजिए कि ओरिजिनल क्षत्रिय था या उन राजे महाराजाओं के खून का था या इस विदेशी खून का था, अगर ऐसा था तो महाराणा प्रताप को उस समय इज्जत क्यों नहीं दी गई, उस समय बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण समझने की है कि उस समय उनके साथ भेदभाव किया गया था। और भेदभाव इसलिए किया गया था कि वो भारतीय मूल के थे, भारतीय नस्ल के थे। जिन दो नस्लों की बात आपको बताने आया हूं, एक आदिवासी नस्ल और एक विदेशी नस्ल। महाराणा प्रताप विदेशी नस्ल का नहीं था, महाराणा प्रताप भारत की धरती की नस्ल का था, इसलिए उसके साथ में भेदभाव हुआ। अरे अभी तो बहुत कुछ इतिहास से हम ढूंढ के निकाल रहे हैं। तुमने तो कह दिया कि राणा बाबा रामदेव भी राजपूत थे या क्षत्रिय थे, अभी ठहरो, अभी और ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो शायर मेघवाल का बेटा था और पोखरण में राजमहल से बाहर उसकी कुटिया बनाई गई थी जहां उसका लालन पोषण हुआ। जब वो समझने लगा तो उसने राजमहल त्याग दिया और क्रांति करने के लिए निकल गया। रामदेव कोई भगवान या अवतार ही नहीं, कोई द्वारिका धीश नहीं, वो आपका बंदा था, आपके समाज में पैदा हुआ हुआ था। ठीक वैसे ही बाबूजी राठौड़ को कहकर के कह दिया गया, अरे बाबूजी राठौड़ भीलनी का बेटा था। ये तो इतिहास में ज्ञात है, सबको पता है भीलनी के पेट से पैदा हुआ था, इसलिए उसको राजमहल में जगह ना दे करके उसको बाहर एक छोटा सा महल बना करके दिया और रखा। आपने सुना होगा कहीं कहावतों में, हड़बू पाबू रामदेव जाम्बो ने जसनाथ। हड़बू पाबू रामदेव जाम्बो और जसनाथ, ये पांच लोग एक साथ क्रांति कर रहे थे वहां पर, एक साथ उनका आंदोलन चल रहा था। ये कोई भगवान या देवी देवता नहीं थे, ये हमारे समाज के गौरव पुरुष थे। इसलिए मैं उस चीज में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमको तितर बितर करके, तोड़ मरोड़ करके एक दूसरे का दुश्मन किसने बनाया। अगर हमें किसी ने दुश्मन बनाया तो वो 3% ब्राह्मण ने बनाया। ये ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण ने हमको गुलाम बनाया, हमको एक दूसरे से ऊपर नीचे बनाया। हम भारत के मूल निवासी और समाज समान रूप से ब्लड के रिलेशन वाले लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ भेद कर दिया। ये तो भांभी है, ये भंगी है, ये भील है, इस प्रकार का हमें दर्जा दिया गया। ये दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया, भारत के जो मूल निवासी लोग हैं जिनका इतिहास में एक ही नाम होता था भील, एक ही नाम होता था, उसके बाद में उनके बेटे आगे बढ़ते गए तो कोई नागवंशी हुआ, कोई राजवंशी हुआ, कोई सूर्यवंशी हुआ, कोई चंद्रवंशी हुआ, ऐसे करके आगे वो बढ़ते गए और राज करते गए। लेकिन जब ब्राह्मणों ने, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत किया, उसके बाद में उन्होंने प्लानिंग बना करके हमारे लोगों को जातियों में बांटा। और जाति जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूं, ये जाति हमारे काम के आधार पर है। आदिवासियों की कोई जाति काम के आधार पर नहीं है, वो प्रकृति के आधार पर है, प्रकृति के आधार पर है। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें समाज में मिलता है कि हम एक कैसे हैं। हमारे समाज के अंदर, मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर, अगर भाटी, वाघेला, चौहान, राठौड़, परमार, पंवार, अगर इस प्रकार का कोई सरनेम है तो वो एक राजपूत से लगा करके जोगी तक है, भंगी तक है। इसका मतलब है भीलों में भी भाटी, चौहान, राठौड़ और ये होते हैं, राजपूतों में भी भाटी, चौहान, राठौड़ और वाघेला सोलंकी होते हैं, मेघवालों में भी होते हैं, जब दूसरी जातियों कुम्हारों में भी होते हैं, दर्जियों में भी होते हैं, नाइयों में भी होते हैं। इसका मतलब है हम सब एक ही ब्लड के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, हम सब इस देश के मूल मालिक हैं। आज हम लोग जातियों में बांट दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि आपकी 3 पहचान है। एक पहचान है आपकी जाति। अगर आप कहीं भी जाएंगे, बस में बैठेंगे, गांव में जाएंगे, किसी व्यक्ति से मिलेंगे, जब दो व्यक्ति मिलेंगे तो एक व्यक्ति सीधा सवाल उससे करेगा, भाई साहब कई जाति रहो,
पहला ही सवाल नाम नहीं पूछेगा, गांव नहीं पूछेगा कौन से गांव के हो, काम नहीं पूछेगा क्या करते हो, सीधा कहेगा भाई साहब आपकी जाति को। हेलो, और वो ये भी नहीं पूछेगा कि आपका नख क्या है, वो ये भी नहीं पूछेगा कि आपकी गोत्र क्या है। अगर वो सेम जाति वाला आ गया तो गोत्र पूछेगा। एक आदमी ने पूछा भाई साहब कौन जाति के हो, तो बोलेगा भील, तो वो कहेगा मैं भी भील। जब दोनों भील हो जाएंगे तब पूछेंगे कई गोत्र रहा हो, कौन सी गोत्र के हो, तब पूछेगा। उससे पहले वो गोत्र नहीं पूछेगा, उससे पहले वो नख नहीं पूछेगा। इस तरीके से हमारी एक पहचान है जाति, दूसरी पहचान है गोत्र, और तीसरी पहचान है नख। नख का मतलब हमारे बुजुर्गों ने इसका नाम नख क्यों रखा, नख इसलिए रखा कि जब आदमी मर जाता है तो उसे जलाया जाता है, कहीं दफनाया जाता है। लेकिन जिनमें जलाने की परंपरा है वे लोग तीसरे दिन उसके फूल चुनने जाते हैं, शमशान घाट में उसके फूल चुनने जाते हैं। वो फूल क्या होते हैं, लकड़ियां अगर ज्यादा हो तो सारा कुछ जल के भस्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। लकड़ियां कम हो तो कुछ हड्डियां रह भी जाती। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक सिस्टम आया है, इलेक्ट्रिक सिस्टम में बॉडी को जब अंदर डालते हैं तो एक बारीक राख के अलावा कुछ नहीं बचता है, कोई हड्डी शेष नहीं बचती है। लेकिन उसमें भी अगर कोई नहीं जलता है तो शरीर का कौन सा हिस्सा, ये 20 नाखून नहीं जलते और 32 दांत नहीं जलते, चाहे अग्नि कितनी क्यों ना हो। जहां सोने को पिघाला जा सकता है वहां पर भी नाखूनों को और दांतों को पिघाला नहीं जा सकता। तो जलने के बाद में वहां से कौए वगैरह कोई उस दांत को लेकर के इधर उधर ना डाल दे, इसलिए हमारे लोगों ने परंपरा बनाई कि इनको चुन करके फिर किसी बहती नदी में डाल दो, ताकि बहती नदी में पानी के साथ घिस घिस करके वो खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार का ये नख है। नख का मतलब होता है मूल। तुम्हारा मूल है चौहान, तुम्हारा मूल है वागेला, तुम्हारा मूल है राठौड़, तुम्हारा मूल है भाटी, तुम्हारा वो मूल है सोलंकी। ये मूल है जिसे हम गए भूल, जिसे हम गए भूल। मूल को तो गए भूल, अब रही बात इस मूल के अंदर, जब हम भूल गए तो हमारी रिश्तेदारी कैसे हो, हमारा नाता कैसे हो। इसलिए हमारे पुरखों ने गोत्र का निर्माण किया, गोत्र का निर्माण किया। उस गोत्र में आप किसी भी जाति में जाकर के देखेंगे तो वो जो गोत्र है वो अलग अलग उनके काम और उसके आधार पर है। हमारी गोत्र जो है वो 99% गोत्र जो है प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, प्रकृति के साथ। या फिर अगर गोत्र है तो वो कोई गांव के नाम पर, किसी जगह विशेष के नाम पर, किसी वनस्पति के नाम पर, किसी पहाड़ के नाम पर। मैं गांधीधाम गुजरात में गया, सचिवालय में एक बड़े अधिकारी के ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी वरसाद, उसका सरनेम, उसका गोत्र या जो था सरनेम था वो वरसाद था। मैं उसके चैम्बर में गया और मैंने उससे पूछा, मैं कहा वरसाद साहब, बोला हाँ मैं वरसाद, तो मैंने कहा मैं मे, आप वरसाद तो मैं मे, और मे में और वरसाद में कोई फर्क नहीं है। ये जो मेरा महना सरनेम है इसमें मूल में मे है, न तो मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया था बचपन में। और मे आपके यहां पर ज्यादा दूर नहीं है, कौन सा गांव, सुराना, ये मेयों का गढ़ बताया जाता है। तो वरसाद गुजरात में उसको वरसाद कहा जाता है, इधर मे कहा जाता है, यानी एक ही गोत्र के लोग हैं। ये हमारी वनस्पति और प्रकृति उसके आधार पर बनी हुई गोत्र होती है। तो साथियों, ये जो जातियां निर्माण करने वाले लोग हैं, जो मूल और गोत्र को समझने के बाद में हम जाति को समझते हैं, जातियों का निर्माण इसलिए किया कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में बांटना था, विभाजित करना था, क्योंकि ये इकट्ठा होकर कहीं हम 3% लोगों से लड़ना है। इसलिए उन्होंने हमारी जो जाति बनाई वो काम के आधार पर बनाई। जो कपड़े की सिलाई करेगा वो दर्जी होगा, जो कपड़े की बुनाई करेगा वो बुनकर होगा, और जो कपड़े की धुलाई करेगा वो धोबी होगा। जो चमड़ा उतारेगा वो हरिजन होगा, मेघवाल होगा, भंगी होगा। जो चमड़े का रंग करेगा उसको रेगर कहा जाएगा, जटिया कहा जाए, जट उतारने वाले को जटिया कहा जाएगा, और फिर उसका रंगे हुए चमड़े का सामान बनाकर बेचने वाले को मोची या जीनगर कहा जाएगा। ये काम साला एक ही है, लेकिन
काम के आधार पर अलग अलग जाति दे दी गई। ठीक वैसे ही बाल काटने वाले को नाई कह दिया, कुंभ यानी कुंभ यानी घड़ा, घड़ा बनाने वाले को कुम्हार कह दिया, सोने का काम करने वाले को सुनार कह दिया, तो लोहे का काम करने वाले को लोहार कह दिया। इस तरीके से उन्होंने हमें काम के आधार पर बांटा और बांट करके हमें जातियों में जकड़ दिया। और उन जातियों को जो शुरुआत में 12 जाति थी, वो उन जातियों को आखिर में उन्होंने 6743 जातियों में विभाजित कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आज अगर हम लोग विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ भीलों को मनाने की आवश्यकता नहीं, पूरे देश के अंदर इसे मनाया जाना चाहिए। और हर जाति को, मैं आने वाले समय में, पिछली बार मैंने एक संदेश दिया था कि एक ही दिन 9 तारीख को हम सभी जगह नहीं पहुंच पाते, हमारी समस्या रहती है, समय की समस्या रहती है और लोग भी सब इकट्ठा नहीं हो पाते, इसलिए हमने कहा कि अगले साल से हम पखवाड़ा मनाएंगे। तो साथियों, इस बार 1 अगस्त से कार्यक्रम शुरू हुए थे और अभी 21 अगस्त तक तो चालू है, कंटिन्यू 21 अगस्त तक, अगले साल पूरा अगस्त चलेंगे और उससे आगे 365 दिन चलेंगे। 365 दिन हम इस देश के मालिक हैं, 365 दिन हमारे हैं, जब मर्जी जहां पर लगाएंगे, आदिवासी इंडिजिनियस पीपल डे के रूप में मनाएंगे और लोगों को जानकारी और ज्ञान देंगे। लेकिन साथियों, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जमाना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से आज हमारे समाज में ऐसा मंच लगाने वाले लोग, ऐसे माइक लगाने वाले लोग, माइक पर बोलने और संचालन करने वाले लोग, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले लोग और यहां मंचों पर दहाड़ने वाले जो लोग हुए हैं, वे लोग तीर कमान की बदौलत नहीं हुए हैं, वे किसी लंगोट या पत्तों से ढक करके नहीं, उन्होंने भारतीय संविधान से शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की, इसलिए आज आपके सामने वो यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं और आप लोगों को भी जो है गौरवान्वित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से हम लोगों को समय के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ अगर हम नहीं चले तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें सब कुछ दिया। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं उस वर्ग से हूं जो जंगलों में छुप करके रहता था, जहां पर उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, बदन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, तो वो मजबूरी में पेड़ों की छाल और पत्तों से अपने बदन को ढकता था। ये उस समय की लाचारी थी, मजबूरी थी। या फिर गांव में रहने वाले हमारे लोगों को अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, बढ़िया साफा पहनने का अधिकार नहीं था और अच्छे जूते पहनने का भी अधिकार नहीं था। गहने सोने चांदी तो भूल जाओ, बात ही नहीं थी। अगर वो नहीं था, इसलिए हमारे लोग नंगे बदन घूमते थे, इसलिए हमारे लोग जब साफा पहनने का अधिकार नहीं था तब वो गमछा बांधते थे, तब वो इस प्रकार का लंगोट जो है लीरिक पे शरीर तन पे माथे पे बांधते थे। अरे आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें टाई कोट सूट शेरवानी घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार, लिखने पढ़ने का अधिकार, कलेक्टर मंत्री एमएलए एमपी बनने का अधिकार दे दिया। अब हम लंगोटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये बात थोड़ी मेरे भी समझ में नहीं आ रही। अगर हम लंगोटी की तरफ जा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तुम्हें कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, मैंने तुम्हें खेत खलिहान और जमीन रखने का अधिकार दिया, मैंने तुम्हें सोने चांदी के गहने बनवाने पहनने का अधिकार दिया, मैंने आपको मंथली तनख्वाह लेने का अधिकार दिया, मैंने आपको डेली हाजिरी में 500 और 1000 रुपए डेली लेने का अधिकार दिया। अब तुम नंगे और भूखे की तरह इस तरीके से भेष बनाकर आते हो, तो बाबा साहब अगर कहीं से देख रहे होंगे तो उनको दुख होता होगा कि ये लोग पता नहीं कहां जाना चाहते हैं। मैं अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आपकी संस्कृति आपकी कोई कपड़ों में नहीं छपी हुई है, आपकी संस्कृति कोई आपके तीर कमान में नहीं छुपी हुई है, ये तो हमारा उस समय का हथियार था। आज तो AK-56 आ गया, 47 आ गया, आज तो पता नहीं क्या क्या आ गया, आज तो मोबाइल वेपन आ गया, मोबाइल के माध्यम से भी आदमी को मारा जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमको आज फिर तीर कमान की जरूरत पड़ी। तीर कमान हमारे लोगों का उस समय का हथियार था, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका हमें गौरव महसूस करना चाहिए।
मगर आज के जमाने में अगर हम तीर कमान लेकर निकलेंगे तो कोई लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे, ना तो कोई शारीरिक लड़ाई जीत पाएंगे, ना कोई मानसिक या बौद्धिक लड़ाई जीत पाएंगे। इसलिए हमें तीर कमान को अपने घर में रख करके अपना सम्मान करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको मना नहीं करता। लेकिन आपके घर के अंदर हर व्यक्ति के जिसके जितने घर में मेंबर है उनकी जेब में एक पेन जरूर होना चाहिए। ये आज का धनुष है, आज का तीर है, आज की तलवार है, ये आज का AK-56 और 47 है। बाबा साहब अंबेडकर ने ना तो किसी को गाली दी, ना किसी को बुरा भला कहा, ना किसी से लड़ाई झगड़ा किया, ना कभी एक कतरा खून बहाया, ना एक दिन भी जेल गए, और भारत की 2500 सालों की व्यवस्था को बदल दिया। किस आधार पे बदला? उन्होंने एक खून का कतरा नहीं बहाने दिया, लेकिन स्याही समंदर जितनी बहा दी। स्याही जो है वो समंदर जितनी बहा दी। बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा साहित्य लिखने वाला आज दिन तक इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ।